रंग आज इस स्पॉट पे मौजूद हैं, पैरागॉन टावर्स इस लोकेशन का नाम है। रिसेंट 17 के अंदर ये चार टावर्स बन रहे हैं, टावर ए बी सी डी। टावर ए जिसकी हम नीचे बैठे हुए हैं ग्राउंड पे, आपको कुछ शॉप्स भी नज़र आ रही हैं, ये शॉप्स भी अवेलेबल हैं। दो साइजेज हैं इनके, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। टावर बी का भी पोजेशन ये लोग देने जा रहे हैं। टावर ए जिस तरह मैंने बताया ऑलरेडी हैंड ओवर हो चुका है, और यहाँ से बिल्कुल सामने आपको टावर बी सी डी ये टावर्स भी मिल जाते हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान पे ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें ज्वाइन किया है आज के प्रोग्राम के अंदर बाबर भाई ने। बाबर भाई पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के अंदर एक टीम मैनेजर भी हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। कुछ क्यूरीज हैं पैरागॉन के हवाले से, रेट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें वो बाबर भाई से हम लोग डिस्कस करेंगे। बाबर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पैरागॉन टावर्स इनको आप मतलब किस तरह से डिफरेंट देखते हैं? बहुत सारे बिल्डर्स यहाँ पे अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, जिस तरह बहरिया का अपना प्रोजेक्ट जिसको बहरिया हाइट्स कहते हैं, उससे इसके साइजेस का क्या डिफरेंस है? अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को हम देखते हैं तो क्या डिफरेंस है? आतिफ भाई थैंक यू सबसे पहले, और मैं पहले सबसे पहले अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि पैरागॉन क्या है। पैरागॉन बेसिकली जो बहरिया की आप जितने भी विलाज अपार्टमेंट्स देखते हैं, इसमें 60% पैरागॉन ने इसकी डेवलपमेंट पे काम किया है, इसकी कंस्ट्रक्शन पे काम किया है, विलाज पैरागॉन ने बना के दिए हैं। और जिसमें ये चार टावर आप डिस्कस कर रहे हैं, टावर ए मेरी बैक साइड पे, लेफ्ट साइड पे बी है और सी डी, इसी तरह ए की बी की इनकी जितनी क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन की, ए प्लस कैटेगरी है। आपने पहले इसका टूर भी दिया है, इसके अपार्टमेंट का टूर भी दिया है, तो मेरा ख्याल है उसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। और दूसरी, इसको हम कंपेयर करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, अगर लाइक बहरिया के प्रोजेक्ट के साथ या कोई भी प्राइवेट प्रोजेक्ट उसके साथ अब इसको कंपेयर करते हैं, तो इसकी मैं 100% ए प्लस कैटेगरी का इसलिए कहता हूँ कि पैरागॉन ऑलरेडी एक डेवलपर है जिसने पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स पे काम भी किया है, कराची में बहुत सारी बिल्डिंग्स पे काम किया है, तो ये इनका अपना प्रोजेक्ट है। तो अपने प्रोजेक्ट पे इन्होंने किसी ऐसी चीज़ को इन्होंने ऐसे नहीं छोड़ा कि जिस पे कोई कंप्लेन आने वाले सालों में भी हो। अपने कस्टमर को हर तरह से इन्होंने जितनी भी सहूलत है उसको ए प्लस कैटेगरी में लेकर उन्हें प्रोवाइड किया है। और अब जो चीज़ें चल रही हैं आतिफ भाई, इसमें बुकिंग आई हुई है टावर ए में भी, बी सी डी, ये इसमें चारों टावर में बुकिंग है। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको मर्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया, जो आपके क्लाइंट्स हैं जिनके पास कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं, बैरियर की फाइल्स हैं, उन्हें भी पीपीएल वेलकम कर रहा है। तो इस तरह इसमें काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके जो क्लाइंट है अवेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये कर सकते हैं। अच्छा बाबर भाई, आपने जो मर्जिंग को डिस्कस किया है यहाँ पे, कुछ इसको भी थोड़ा सा आप डिफाइन कर दें कि मर्जिंग किस तरह से करेंगे, और सेकंड ये चीज़ है कि वो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए है? आतिफ भाई इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो लिमिटेड ऑफर है, 25 जनवरी तक ये लास्ट डेट है हमारे पास। और मर्जिंग का कोई भी आपकी फाइल है तकरीबन किसी प्रोजेक्ट में, बहरिया में आजकल तो काफ़ी चल रहा है, बिल्डर्स भाग जाते हैं, आप लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है, आपको अपार्टमेंट नहीं मिला, और उसके बाद बैरिया की जो बाउंड्री से बाहर प्लॉट चले गए हैं, वो फाइल्स आपके पास हैं जो आपकी कबर्ड्स की जीनत बनी हुई है, आपने पैसे को ब्लॉक किया हुआ है, मगर हम आपको वेलकम कर रहे हैं ये बैक साइड पे जो जिसमें आबादी आ चुकी है इसमें अपार्टमेंट्स में, कि आप अपनी डेट फाइल लेके आए, हम आप इसमें एडजस्ट करेंगे और रिमेनिंग जो अमाउंट होगी इंस्टॉलमेंट में आप वो पे करेंगे। और एक और इसमें प्लस पॉइंट बता दूं, इनमें आते भाई वन बेड भी है, वन बेड अपार्टमेंट में भी है। और दूसरा उसमें जो मर्जिंग की पेमेंट है तो वो आपकी फाइल को देखकर हम मर्ज करेंगे, आपकी फाइल की अमाउंट कितनी है और कितनी इसमें एडजस्ट हो सकती है। अच्छा बाबर भाई, यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट प्लान भी आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आया कि कितनी अमाउंट आपको फाइल के साथ देनी होगी, और सेकंड ये चीज़ें आपने वीडियो के स्टार्ट पे बताया कि आप इस पे कब्ज़ा भी देंगे 50% पे, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं। आतिफ भाई सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो कब्ज़ा आपको देंगे हम, वो इस तरह देंगे, आप 50% हमें अमाउंट देंगे, 50% अमाउंट का हम आपसे एक टाइम जैसे 12 मंथ का है, 18 मंथ का है, इस तरह के हमारे पैकेजेज हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपको कब्ज़ा देंगे हम आपके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे रेंट का, आप हमसे रेंट पे अपार्टमेंट ले रहे हैं, दो एग्रीमेंट होंगे, अपार्टमेंट एक रेंट पे आप ले रहे हैं उसका एक एग्रीमेंट होगा, दूसरा कि आपने इतनी अमाउंट हमें दे दी है, इतनी अमाउंट देंगे और आप इसकी ओनरशिप ले लेंगे। ओनरशिप डेफिनेटली आप जब अपनी अमाउंट पूरी हमें देंगे तो आपके नाम वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। सही है।
अच्छा बाबर भाई, इसमें एक और चीज़ भी है जिस तरह आपने डिस्कस किया वन बेड को, तो वन बेड के अंदर आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब साइज वाइज आप? अच्छा भाई, इसमें तकरीबन 3 से 4 साइज़ हमारे पास हैं, डिफरेंट साइज़ हैं, 550 के हैं, 630 के हैं, 680 के हैं, और इस तरह के 520 का है। तो इस तरह की कैटेगरीज हैं जो ऑलमोस्ट जो हमारे टावर बी में सी डी में 3 टावर्स में 1 बेड है, ए में 1 बेड नहीं है, ए में 2 बेड है, जिसमें हमारे पास इनर अपार्टमेंट्स आउटर अवेलेबल हैं इंस्टॉलमेंट पे भी। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे जो 1 बेड है वो सब सोल्ड हो चुके हैं, और ये भी बहुत कम पड़े हुए हैं, जिसमें हम ये भी इंशाल्लाह वेरी कमिंग सून आपको सोल्ड का मैसेज आ जाएगा। अच्छा बाबर भाई, एक और चीज़, ये व्यूवर्स आपको भी नज़र आ रहा होगा, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये बाबर भाई नीचे कॉन्सेप्ट है शॉप्स का, इसका भी थोड़ा सा बता दें कि ये शॉप्स भी सेल पे अवेलेबल हैं। आते भाई, इसमें ये नीचे जितनी आप शॉप्स देख रहे हैं ये रेंट पे भी अवेलेबल हैं, और दूसरा ये सेल पे भी, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी ये शॉप्स पड़ी हुई हैं, और दूसरा पैरागॉन के पास भी शॉप्स अवेलेबल हैं। और सबसे मज़े वाली ये चीज़ है कि ये रेडी चीज़ें हैं और आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल रही हैं, जिसमें आपको ये ख़तरा नहीं है बिल्डर भाग जाएगा, डिगिंग होगी कब होगी कैसे होगी, इसकी अमाउंट का कैसा सिस्टम बनेगा, बिल्कुल आपके आंखों के सामने। और कराची वाले जो इधर वाले लोग हैं वो, उनके पास पैसा है मगर वो इन्वेस्टमेंट उधर करते हैं जो चीज़ बनी हो, अब हवा में कोई चीज़ का सीन नहीं होगा। सही तो बात ये है, पैरागोन ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप रेडी प्रॉपर्टी में आप अपनी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में और अपनी सेविंग कर सकते हैं। जी थैंक यू बाबर भाई। अच्छा व्यूअर्स, बाबर भाई ने आई होप फुली जितनी भी क्यूरीज थी उनको जो है वो अपनी तरफ से एक अच्छे अंदाज में आप लोगों तक सॉल्यूशंस को कन्वे किया होगा। तो बाकी ये है कि आपको आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। पैरागॉन के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, सिर्फ बाइंग के लिए नहीं, अगर आप सेल भी करना चाहते हैं तो बाबर भाई के पास इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। आप लोग कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, बॉटम पे, ईमो पे, जहाँ पे आप लोग कंफर्टेबल फील करें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।